हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं मैट्रिसेस में। तो आज हम नया टॉपिक देखते हैं। लिखो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, लिखो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो इसमें हम टोटल चार टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे न्यूमेरिकल वाइज ये जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इजी, एक्चुअली वेरी प्रोसीजरल। बट क्या है, थोड़े नाम जो है ना इसके, जो हम पढ़ेंगे अभी चार टाइप्स, वो थोड़े नाम्स में कन्फ्यूजन होता है, बस उतना ही टफ है इसमें। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दैट इज़ वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी प्रोसीजरल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप वन, दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो स्पेलिंग देख लो एक बार, गलती नहीं लिखना, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो होता क्या है, पहले इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका फर्दर एनालिसिस करेंगे, क्या क्या देखेंगे। तो लिखो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, अ मैट्रिक्स लेट्स से ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ, अब इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक कंडीशन लिखने वाला हूँ, वो मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी विल बी कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इज द ओनली कंडीशन, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका स्क्वायर उसके मैट्रिसेस के बराबर है, देन आई विल कॉल दैट मैट्रिसेस एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसमें हम फर्दर इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, कि ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए, ये तो मैं याद रखना है, ठीक है ना, ये तो मैं कंडीशन याद रखना है, ओके। तो अब मैं इसमें फर्दर एनालिसिस क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, इसमें ए से मल्टीप्लाई किया, देखना दोनों साइड ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, चाहे प्री कर लो चाहे पोस्ट कर लो, वन एंड द सेम थिंग, इट विल नॉट इम्पैक्ट, नो चेंज। तो मैंने क्या, ए से मल्टीप्लाई किया, लेट से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया। तो अभी देखना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बेसिकली हम ऐसा ड्राइव करने वाले हैं कि ए की कोई भी पावर ले लो, नेचुरल पावर, इट इज इक्वल्स टू ए ओनली फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। लिखूंगा जब समझ में आएगा, देखो। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, ऑफकोर्स मैंने ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया सिंपली, ठीक है ना। ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब, एंड ए इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एंड वी नो ए स्क्वायर इज ए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स वॉट, ए क्यूब इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए ओनली। अगर मान लो चलो मैंने एक बार और इसको ए से मल्टीप्लाई किया, वॉट विल गेट, ए की पावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दैट इज फर्दर इक्वल्स टू ए। सो कैन यू कंक्लूड कि हम क्या मतलब लिखें, फाइनली हमारा ए स्क्वायर भी ए के बराबर है, वो तो बेसिक डेफिनेशन है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में जो बेसिक हमारी कंडीशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। उसके बाद हमने देखा कि ए क्यूब भी ए के बराबर आया, फिर हमने देखा ए की पावर फोर भी ए के बराबर है, सिमिलरली ए की पावर फाइव भी क्या होगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड मैथमेटिकली, आई कैन से ए की पावर के इज इक्वल टू ए ओनली वेयर माई के इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए का कोई भी पावर ले लो, नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स यू शुड हैव टू टेक नेचुरल नंबर ओनली, नॉट फ्रैक्शंस, नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ओनली नेचुरल नंबर्स। ए की पावर एनी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ए ओनली इफ माय मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट, याद कर लो इसको, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट नोट इन दिस, ठीक है ना। ये तो एज ए डेफिनेशन हो गया, दिस इज नोट वन इन दिस, ठीक है ना, कि ए की हमने लिखा तो स्टार्टिंग में ए की ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, बट हमने फर्दर इससे ड्राइव किया कि नहीं भाई, ए की पावर कोई भी नेचुरल पावर ले लो, दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली प्रोवाइडेड द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, गेटिंग इट। चलो अब हम फर्दर इसमें मूव करते हैं नेक्स्ट नोट पे इसी के ऊपर। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी कर लो। देखना नेक्स्ट नोट क्या कर रहा हूं मैं, देखना नाउ नेक्स्ट नोट को समझाने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, दोनों इन डिटर्मिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, देखो जो हमने लिखा भी था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए
into determinant of p. I'll use this property here. कैसे देखो, मैंने इसको पहले लिखा determinant of a square को a into a is equal to determinant of a. Now further, I अब ये a into b होता तो हम क्या लिखते, determinant of a into determinant of b, but इधर क्या लिखा है a into a, so I can write this as determinant of a into determinant of a is equal to determinant of a. So further this can be written as determinant of a का square is equal to determinant of a. Now I can take, I'll take all the terms in the LHS. So what you'll get, और उसमें से मैं determinant of a common ले लेता हूँ, तो determinant of a common लिया, what is left is determinant of a minus 1 equals to 0. So product of two quantities is 0. So either this is 0 or this is 0. तो इससे हमें क्या निकलेगा, दो चीज़ निकलेगी, either determinant of a equals to 0 या फिर ये चीज़ 0, और ये चीज़ 0 होगी तो मेरा determinant of a दिख रहा है कितना आएगा, 1. So और determinant of a equals to 1. सो हमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, क्या कि अगर हमारी मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी. क्या बोला मैं, अगर मेरी मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट है, और आइडेंपोटेंट होती कब है, केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर, ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए. अगर ऐसा है तो हमने प्रूफ क्या किया कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तीसरा कुछ नहीं. ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको तुम एज ए नोट टू लिखोगे. ठीक है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज ईदर 0 और 1. ठीक है ना, अभी एक पॉइंट और ऐड करते हैं अपन इसमें, बिफोर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट. अच्छा देखना, इसी में अब थर्ड नोट में क्या देख रहा हूँ, देखना. अब मैंने बोला कि, अब मैंने कंडीशन ले ली कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है. ठीक है ना, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, बट उसमें से मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, जो मेरी इक्वेशन थी मदर इक्वेशन, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. अब सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आई एम प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद ए इनवर्स. देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था, और कब कर सकते हैं, जब वो डिफाइन होगा. और ए इनवर्स डिफाइन कब होता है, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर. बताया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर. ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब ही मेरा क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ सिंस आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद ए इनवर्स, तो मुझे वो चाहिए था ना कि इनवर्स एग्जिस्ट करे, तभी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मैंने ये कंडीशन ऐड किया. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन आई कैन से मल्टीप्लाइंग इट विद ए इनवर्स. तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स. अब चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, नो चेंज. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, एंड वी नो ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. तो ये हो गया ए इंटू आई इज इक्वल टू आई, सो ए इंटू आई इज ए, सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, ए इज इक्वल टू आई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्या आया ये, क्या आया बेसिकली, ये ऐसा आया कि जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर आइडेंपोटेंट है, अगर मेरा मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट है, एंड इफ इसके अलावा एक और चीज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर केवल मैंने आइडेंपोटेंट बोला तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है, बट मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 के अंदर जा रहा हूँ. सो आई वुड कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा इसको लैंग्वेज फॉर्म में, कि इफ माई मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, नॉन सिंगुलर. ठीक है, नॉन सिंगुलर. तो मैंने क्या बोला, अगर मेरी मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट है प्लस नॉन सिंगुलर है, देन इट हैज़ टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट हैज़ टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्योंकि देखो हमने ड्राइव किया ना, ए बेसिकली आई के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको हम इंग्लिश में, अगर लैंग्वेज में लिखना है तो एज अ नोट में ही लिखेंगे ये, कि नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मतलब ये कवर हो गया, आइडेंपोटेंट मतलब ये कंडीशन कवर हो गई. इन दोनों को कवर करने के बाद मेरा रिजल्ट ये आया, तो आई एम राइटिंग दिस ओनली, कि नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हैज टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
गेटिंग इट। तो ये तीन नोट हम आइडेंपोटेंट के लिए याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर मेरा मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट है, हम कब बोलेंगे मैट्रिसेस को आइडेंपोटेंट, जब वो एक इक्वेशन सेटिस्फाई करे, कौन सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब हमने मैट्रिसेस का स्क्वायर किया और वही मैट्रिक्स आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, माय मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट। ये तो बेसिक स्टेटमेंट हो गया उसका। फिर हमने इसके अंदर तीन नोट्स देखे। पहला नोट क्या देखा हमने कि ए का अगर मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट है तो ए का कोई भी नेचुरल पावर ले लो, लेट्स से ए की पावर 5000, ए की पावर 6000, ए की पावर 1 करोड़, 1, कुछ भी नेचुरल पावर ले लो, देन इट विल कम आउट टू बी ए ओनली, ठीक है। फिर हमने दूसरा नोट क्या देखा कि हमने वो डिटर्मिनेंट लिया दोनों साइड, फिर हमने उससे कंक्लूड क्या किया, अगर मेरी मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट, जो उस मैट्रिसेस की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, दैट कैन बी ईदर 0 और 1, इन दो के अलावा कुछ नहीं। और तीसरी चीज हमने देखी कि अगर मान लो हमारा मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट है प्लस नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमने क्या देखा कि जो मैट्रिसेस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आई। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखवाया, नॉन सिंगुलर मतलब ये चीज़ कवर हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, आइडेंपोटेंट मतलब ये इक्वेशन यूज हो गई। तो नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हैज टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 1। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप 2। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 इज इनवॉल्यूटरी, INVOLUTARY, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो पहले वही स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन और फिर हम उसके अंदर कुछ नोट्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इनवॉल्यूटरी के लिए लिख लो, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ, अब जैसे उधर एक कंडीशन थी, उसी टाइप की एक कंडीशन इधर लिखेंगे हम। उधर क्या थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इधर क्या आएगी देखो, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, ठीक है ना। ये बताया था मैंने, एन मतलब ऑर्डर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। सो अगर ए स्क्वायर आई एन के बराबर आ गया, मतलब कोई मैट्रिक्स दी है, अगर मैंने उसका स्क्वायर किया और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, देन आई विल कॉल दैट मैट्रिक्स एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो अभी ये नाम थोड़े ऑड लग रहे हैं, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा हाउ आई यूज टू मेमोराइज, ठीक है ना। एक पूरे चारों कवर हो जाएं, उसके बाद याद करने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। मेरा खुद का तरीका है, जैसे सबका अपना अपना बना सकते हो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, जैसे उधर हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था तो हम क्या बोलते थे, मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट। इधर मैं ए स्क्वायर अगर आई एन के बराबर आएगा तो आई विल कॉल दिस मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, दिस इज द पेरेंट इक्वेशन, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर आई विल ड्राइव द फर्दर रिजल्ट्स, जैसे उधर हमने ड्राइव किए थे, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे नोट 1 के फॉर्म में हम लिखेंगे, मैंने क्या किया, अच्छा उससे पहले मैं इसमें पहले डिटर्मिनेंट वाला देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, सो आई विल टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, तो हियर यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। एंड वी नो अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखा था, दिस इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन क्या होता है, देखो आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जैसे मैंने तुम्हें डायगनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताया, लेट्स से ये कोई डायगनल मैट्रिक्स है, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा, सो इट इज सिंपली डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 × 1 × 1। सो फ्रॉम हेयर वॉट यू विल गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उधर हमारा 0 और 1 आया था डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इधर हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इधर +1 और -1। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अगर मेरी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है देन इट इज ऑलवेज, मतलब देन इट इज नॉन सिंगुलर, मतलब मैं ऐसे स्टेटमेंट बोल सकता हूँ ना, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है किसकी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, वो या तो +1 होती है या -1, 0 तो नहीं होती। तो अगर +1 या -1 है तो मैं क्या बोलूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिंगुलर,
हैंस इट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल. ऐसे खुद से नोट्स जनरेट कर सकते हैं हम छोटे छोटे, ठीक है ना. क्या बोला मैंने कि इन्वर्टरी मैट्रिक्स इज आर ऑलवेज इन्वर्टिबल, ऐसे लिख लो, आर ऑलवेज इन्वर्टिबल. वैसे इन्वर्ट अभी आएगा लास्ट, इसके बाद मतलब आज कल हमारा ट्रांसपोज होगा, उसके बाद इन्वर्स आएगा, तो और भी चीज़ें पढ़ेंगे. बट अभी के लिए इन्वर्टरी मतलब इन्वर्टरी को मैंने क्या बोला, इन्वर्टरी मैट्रिक्स आर ऑलवेज इन्वर्टेबल. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज इन्वर्टेबल हम किसको बोलते हैं, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो. इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस दिस आर इन्वर्टेबल. ठीक है, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये तो हो गया पहला नोट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नोट. सो अगेन कॉपी दिस पार्ट, आई एम रबिंग इट. अच्छा, अब मैंने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया मेरा, तो इससे पहले वाले केस में तो मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ रही थी. जैसे मुझे मान लो अभी मेरे को इस वाली इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, प्री या पोस्ट जो भी कर लो, तो उधर तो मेरे को कंडीशन लगानी पड़ी थी किधर, इन अपना आइडेंपोटेंट में, कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन आई एम प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स. बट इधर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. द रीजन इज, इधर तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो होता ही नहीं है इनवॉलेटरी के लिए. तो आई एम सिंपली राइटिंग प्री मल्टीप्लाइड विद ए इनवर्स या पोस्ट मल्टीप्लाई. ए इनवर्स से मैंने प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट यू गेट, ए स्क्वायर इनटू ए इनवर्स. क्या मिला था उधर हमें, ए. तो इधर क्या मिला, ए इनवर्स आई इनटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ओनली. सो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स. गेटिंग इट क्लियर हुआ. तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. क्या आया हमारा, कि जैसे अभी तुम आगे चल के देखोगे ना, इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालना थोड़ा हार्ड होता है. हार्ड मतलब इन द सेंस, हार्ड से मेरा मतलब है लेंथी प्रोसीजर होता है. बट अगर मान लो जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया, उसने बोला उसका इन्वर्स निकालो, ठीक है ना. और अगर मान लो हमने देखा कि वो तो इन्वॉल्यूटरी आ रहा है, मान लो हमने ऐसे चेक किया ए स्क्वायर, और मान लो गलती से या लकीली जो भी बोलना है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ए इन्वर्स उसका क्या होगा, वो मैट्रिक्स खुद अपना ए इन्वर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. दैट ए इटसेल्फ इज नथिंग बट ए इनवर्स. एक एप्लीकेशन है छोटा सा, मान लो ए इनवर्स निकालना है, तो एक बार मैंने ए स्क्वायर चेक कर लिया, अगर गलती से मान लो वो ए आई के बराबर आ गया, देन आई कैन से कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो ए के बराबर ही आ जाएगा. ठीक है ना, ये तो पहली चीज. अभी इसको और जनरलाइज कर रहे हैं, देखना कैसे. अब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग इज दिस इक्वेशन. अभी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ध्यान से. इसको a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए क्यू, और a इंटू आई एन इज ए, ये आया. अच्छा, अब मैंने इसको फर्दर a से मल्टीप्लाई किया, तो आई गेट a की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड वी नो ए स्क्वायर इज आई एन. देखना मैं क्या कंक्लूड करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. अब मैंने फर्दर इसको a से मल्टीप्लाई किया, तो a की पावर 5 इज इक्वल टू ए क्यूब, और ए क्यूब a के बराबर है, इज इक्वल टू a. Now can you notice one thing? Can you notice? अगर a का पावर इवन है तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, और a का पावर ऑड है तो मेरे को a ही मिल रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. ठीक है, अगर मेरा मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी है तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं, a की पावर मैं लिख रहा हूं 2n plus 1. दिस इज 2n plus 1 फॉर ऑड नंबर. दिस इज इक्वल टू my a only, and a की power 2n is equal to in. very very, तो मैंने इसको पूरा generalize कर दिया अच्छी तरीके से, where my n belongs to integer i plus. getting it. अगर ये क्या हो रहा है, a की power even, a की power even किसके बराबर आता है, identity matrix के बराबर, और a की power odd किसके बराबर आता है, a के. तो मैंने उसी चीज़ को mathematically लिख दिया था. are you getting it, क्या हो रहा है. तो this is very very important note. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स. तो इसमें हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा कि एक तो पहले पेरेंट इक्वेशन ये थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन. ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि अगर मेरा मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी है तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा दैट इज ईदर प्लस वन और माइनस वन. दैट मीन्स माई मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टेबल सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. उसके बाद फिर मैंने इसमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, देन वॉट आई कैन गॉट कि जो ए इनवर्स है वो बेसिकली ए के बराबर ही आ रहा है. ए इनवर्स ए के बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब मान लो कोई क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालने को आए
और अगर मान लो मेरे को किसी तरीके से पता चल जाए कि वो इनवॉल्यूटरी है मैट्रिक्स, देन आई कैन सिंपली से ए इनवर्स विल बी ए ओनली. नो नीड ऑफ डूइंग फर्दर कैलकुलेशन फॉर ए इनवर्स बिकॉज इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर एज कम्पेयर टू फाइंडिंग ए स्क्वायर. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या कंक्लूड देखा कि अगर मेरी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है, अगर मैंने ए का पावर इवन लिया तो आई एम गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए का पावर मैंने ऑड लिया तो आई एम गेटिंग ए ओनली. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे इस चीज़ का एप्लीकेशन अच्छा क्वेश्चन अच्छा बन सकता है इस पर अगर जेई चाहे बनाना, तो दे कैन मेक अ गुड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल लेट्स से उन्होंने बोला कि ए की पावर कोई भी नंबर लिख दिया, लेट्स से 5061 लेट्स से ऐसे लिख दिया 5061, फिर बोला फिर ऑप्शन दे दिए, एक मैट्रिक्स दे दिया ए ऐसे कुछ तो समथिंग 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 3x3 का कोई मैट्रिक्स दे दिया ए उसने एग्जामिनर ने, और बोला कि ए की पावर 5061 निकालो. तो ऑफकोर्स हम 5061 टाइम्स ए को मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, पूरा दिन लग जाएगा. और फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार इतना बड़ा पावर पूछा है तो एक बार एक मिनट के लिए हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करके देखेंगे. तो ना ध्यान से मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ इस चीज़ का कैसे यूज़ हो सकता है जेईई मेंस इवन एडवांस के क्वेश्चंस में. मैंने बोला कि उसने ए दिया और ए की पावर 5061 पूछा, तो हमने देखा यार ये तो बहुत बड़ी पावर है, तो हो सकता है कुछ ट्रिकी पार्ट टाइप का कुछ लग रहा हो. तो हमने क्या किया, साइड में ए स्क्वायर निकाल के देखा. अगर मान लो वो आई एन के बराबर आ गया लकीली तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. क्यों, अब मुझे पता है ए स्क्वायर अगर आई एन के बराबर आ गया दैट मीन्स माई मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी. अब मेरा इतना कितना काम रह जाएगा, अब मेरा ये रह जाएगा कि जो पावर है वो इवन है या ऑड है. सिंस इट इज ऑड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉट एवर आई हैव टेकन, सिंस इट इज ऑड वी नो ऑड के लिए आंसर इज ए ओनली, सो आई कैन सिंपली से दिस मैट्रिक्स विल बी ए ओनली. तो सोचो कितना आसान हो गया क्वेश्चन. उसके लिए तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए, ए की पावर ऑड नंबर इज ए की पावर इवन नंबर इज आई एन फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. और इनवॉल्यूटरी की बेसिक इक्वेशन क्या है, बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन जो उसको फॉलो करना पड़ता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन. आई होप समझ में आया होगा. चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड टाइप पे. बेसिकली ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो अभी हमने देखा. थर्ड वाले का उतना जेई में पूछा नहीं गया है कभी, बट फिर भी सिलेबस में है तो अपन तो करेंगे. ठीक है, सो थर्ड वाला लिख लो. थर्ड वन इज पीरियोडिक मैट्रिक्स. ठीक है ना, वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है. अच्छा, अगर तुम में से किसी को आइडिया हो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, वेल एंड गुड. नहीं पता तो भी अभी इतना ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, मैं हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ. पीरियोडिक मतलब क्या होता है, जो फंक्शन या जो ग्राफ एक टाइम के बाद रिपीट करे. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, हमें पता है साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, 2π के बाद रिपीट करता है. टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, टेन एक्स पाई के बाद पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है. तो उधर हमारी जैसे अभी हम आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन कैलकुलस के अंदर, उसमें हम ये पर्टिकुलर टॉपिक आएगा एक पीरियोडिक फंक्शन करके, जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. इधर बस हम बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, बहुत छोटा सा, जो कि मैट्रिसेस के लिए केवल छोटा सा पार्ट. उधर हम वैसे उधर क्या देखेंगे, हम ऐसा देखेंगे कि फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है. ठीक ना, ये कहाँ, कैलकुलस में, फंक्शन में. इसके विजबिस इधर क्या होगा हमारा, तो लिख लो पहले अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, वेयर माय के इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड. वेयर माय लिख लो इधर के इज कॉल्ड, या फिर ऐसे लिख लो मिनिमम. बस जैसे कि मैंने तो बोला कि मैट्रिस में कभी पूछा नहीं गया है तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें हम ज़्यादा एनालिसिस करने भी नहीं वाले. इतना ही लिखूंगा बस मैं कि बेसिक इक्वेशन, मदर इक्वेशन क्या है इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए. तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ ए की पावर के प्लस वन इज माय ए ओनली. ठीक है, तो मिनिमम, अब ये लिख लो मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड. ठीक है ना, इधर क्या होता था, इस टी को बोलते थे, जो इधर टी का, जो इधर कैपिटल टी काम कर रहा है हमारा कैलकुलस में फंक्शन में, वो इधर के काम कर रहा है. ठीक है ना, तो ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, तो इतना इसके लिए काफ़ी है कि हमारा मैट्रिसेस को पीरियोडिक का बोलेंगे अगर ए की पावर के प्लस वन है, कि ए के बराबर आ जाए तो आई विल से दैट मैट्रिसेस पीरियोडिक, एंड उसका पीरियड क्या बोलेंगे, के. और के की मिनिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड. देखो के की
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो इधर, जैसे तो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा साइन ऑफ लेट से पाई बाई थ्री, मुझे पता है ये साइन ऑफ टू पाई प्लस पाई बाई थ्री के बराबर भी है, और ये चीज साइन ऑफ फोर पाई प्लस पाई बाई थ्री के बराबर भी है। समझ में आ रहा है? तो मैं देखो इससे कंपेयर करूं तो एफ ऑफ, ये मेरा एक्स है, ये मेरा पाई बाई थ्री मेरा एक्स का काम कर रहा है, तो यू कैन सी इसको भी टी, ये भी टी है हमारा, फोर पाई भी टी है, बट मैंने क्या बोला टी, टी को हम पीरियड बोलते हैं इधर कैलकुलस में, ठीक है ना, कैपिटल टी को इधर, जैसे इधर के को पीरियड बोला उधर कैपिटल टी को, बट टी की मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में टू पाई इज द फंडामेंटल पीरियड, दैट इज द मिनिमम इंटरवल आफ्टर विच माई ग्राफ रिपीट्स। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो के को मैं क्या बोलूँगा पीरियड, बट के की मिनिमम वैल्यू को क्या बोलूँगा मैं फंडामेंटल पीरियड, गेटिंग इट? तो बस इतना काफ़ी है इस पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब थर्ड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब हम फोर्थ वाले पे मूव करते हैं, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो। नाउ लिखो फोर्थ वन, निलपोटेंट। वैसे नाम अजीब अजीब लग रहे होंगे ना, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, बट इसका कोई उपचार नहीं है, मतलब याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है, ठीक है ना, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अगेन वही सेम स्टेटमेंट लिखो, अ मैट्रिक्स, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखो, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट इफ, अब कंडीशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नल मैट्रिक्स, लिख लो इसको, बोल्ड जीरो लिखा है ना, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मेरा मैट्रिक्स निलपोटेंट कब होगा, जब ए की पावर एम मेरा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखना, थोड़ा सा बच्चों को, अधिकतर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, वो तीन तो आसान जाते हैं बट इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो देख लेते हैं। बट जैसे मान लो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई मेरे को मैट्रिक्स दिया है, वन लेट्स से टू थ्री जीरो वन फाइव वन माइनस वन टू कुछ तो दिया है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ निलपोटेंट और ना, मैं रैंडमली ले रहा हूँ कोई मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब मुझे पता करना है कि वो निलपोटेंट है या नहीं, तो ध्यान से सुनना, ए तो ये दिया है, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकाला, देखना ध्यान से सुनना अभी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला ए स्क्वायर निकाला, मान लो ए स्क्वायर मेरा नल नल मैट्रिक्स नहीं आया, मान लिया, मान लो कुछ इसमें लेट्स से वन टू मतलब कुछ भी दे दिया, वन थ्री कुछ तो आया, नल नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं फर्दर ए क्यूब निकालूंगा। मान लो ये भी मेरा कुछ तो नॉन जीरो आ गया अंदर के एलिमेंट्स, लेट्स से टू एंड समथिंग, तब भी मेरा अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा, इट इज निलपोटेंट नॉट। अब लेट्स से मैंने ए की पावर फोर निकाला, मतलब मैं क्या करते जा रहा हूँ, ए से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, तो लेट्स से ए की पावर फोर निकाला और उसमें क्या हुआ, सारे एलिमेंट जीरो आ गए, सो ए की पावर फोर इज नल मैट्रिक्स आ गया, तो व्हाट आई विल से कि जो मेरा ए मैट्रिक्स है दैट इज निलपोटेंट। अच्छा अभी ये इतना क्यों करवाया, अभी इसका रीजन है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो m है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं इंडेक्स, लिख लो पहले इधर मिनिमम, अभी आ रहा हूँ मैं इस पर, क्यों मैंने ये ऐसा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कंक्लूड नहीं किया है, तो मैं लग रहा हुआ है इसका क्या यूज है, इधर बता रहा हूँ दो मिनट, मैंने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ a, मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। तो अब मैं देखो, अगर मैंने मान लो फर्दर इसको ए से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट विल गेट, ए की पावर फाइव इज इक्वल टू, अब नल मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, ऑफ कोर्स आई विल गेट नल मैट्रिक्स ओनली, नल मैट्रिक्स को अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट आई विल गेट, नल मैट्रिक्स। तो फर्दर यू कैन सी कि अगर मैं इधर से कुछ भी पावर ले लूं, ए की पावर सिक्स, ए की पावर सेवन, ऑल विल कम आउट टू बी नल ओनली, देन व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट एम, कि अगर मेरा m इंडेक्स है, सुनना ध्यान से,
इफ एम इज इंडेक्स, एम इज इंडेक्स मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एम जिसके लिए ए की पावर एम इज जीरो, फॉर एग्जाम्पल हियर इन दिस केस इट इज ए की पावर फोर, देन इफ एम इज इंडेक्स आई कैन से कि ए की पावर एम इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो ए की पावर के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड ए की पावर के इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर के लेस देन एम। देखो इंपॉर्टेंट चीज, यही चीज समझाने के लिए मैंने तुम्हें इधर लिखवाया ये सब एक्सप्लेनेशन। क्या निकला एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने बोला ए कोई मैट्रिक्स दिया, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो बोलेगा कि बताओ कि मैट्रिक्स इंपोर्टेंट है या नहीं, अगर है तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ए की पावर एम इज नल मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला, हम ए निकाला, ए तो दिया ही मतलब, फिर ए स्क्वायर निकाला वो भी वो नल मैट्रिक्स नहीं आया, ए क्यूब निकाला नहीं आया, ए की पावर फोर निकाला अगर वो नल मैट्रिक्स आ गया, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके बाद जितने ही पावर निकाल लो, लेट्स ए की पावर फाइव, ए की पावर सिक्स, ए की पावर सेवन, ऑल विल कम आउट टू बी नल मैट्रिक्स ओनली। तो इसका मैंने इधर क्या लिखा, देखो कंक्लूजन क्या लिखा कि अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मेरा मैट्रिक्स ए ये है और लेट्स से दीज आर करेक्ट वैल्यूज, तो फोर इज माई इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर विच दिस इज जीरो। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माई एम इज फोर। अब मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, अगर एम इंडेक्स है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए की पावर के इज नल मैट्रिक्स फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अगर एम, अगर मैंने के की वैल्यू इंडेक्स या इंडेक्स से बड़ी डाली तो व्हाट यू विल गेट, नल मैट्रिक्स। अगर मैंने ए की पावर के में के की वैल्यू अगर इंडेक्स से कम डाली, फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 1, व्हाट यू विल गेट, नॉट नल। हैंस दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, गॉट इट। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिमाइंड करो, 100% आएगा, इतना ही है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। अब एक छोटा सा नोट और है वो और ऐड कर देता हूँ इसमें, फिर हम क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे, ठीक है ना। थियरी पार्ट में टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में इतना काफ़ी है, बट एक नोट और ऐड कर देते हैं बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको कॉपी करो, ठीक है। वैसे नोट जो लिखवाने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट ही है, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी नोट है। देखो इधर मैंने बोला टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो व्हाट यू गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स एंड वी नो इट इज जीरो, और ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एम, सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरा मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी ही आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू क्या, हाँ ये मतलब तुम अपने से निष्कर्ष मत निकाल लेना कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो वो निलपोटेंट होगा, ना ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन अगर निलपोटेंट है तो पक्का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो, गेटिंग इट। दोबारा एक बार मैंने बोला अगर कोई मैट्रिक्स है निलपोटेंट है तो 100% उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ठीक है। बट अगर मैंने बोला कि कोई डिटर्मिनेंट है, कोई मैट्रिसेस है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, तो क्या वो हमेशा ये निलपोटेंट होगी, नहीं ये गलत है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, कैसे लिखोगे, इफ मैट्रिक्स इज निलपोटेंट देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैट्रिक्स निलपोटेंट है, ठीक है ना। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, अगेन देखो कोई मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा फाइंड वेदर इट इज निलपोटेंट और नॉट। सुना, पहले बोल रहा हूँ मैं उसके बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कोई मैट्रिक्स दे दिया, उसने बोला कि पता करो कि ये निलपोटेंट है या नहीं, और फिर आगे फर्दर अगर निलपोटेंट है तो इसका इंडेक्स निकालो, एक यही क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए दिया होगा, एक प्रोसीजरल तरीका क्या है जो मतलब बिल्कुल मतलब जो थियोरिटिकली बिल्कुल करेक्ट तरीका है वो क्या है,
ए निकाल, ए दिया है ए स्क्वायर निकालो, अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया फिर ए क्यूब निकालो, फिर नल मैट्रिक्स नहीं आया फिर ए की पावर फोर निकालो, एंड जब तक निकालते जाओ जब तक नल मैट्रिक्स ना आ जाए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन अगर निलपोटेंट होगा तो वो मैक्सिमम ए क्यूब ए फोर तक निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं है मतलब, ठीक है ना। इन जनरल बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर ए की पावर फोर तक निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम छोड़ सकते हो। बट अब मैंने बोला कि ठीक है, इतना लेंथी करने से बेटर है कि हम क्या करें, एक बार जो मैट्रिक्स दिया है ना उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, कोई मैट्रिक्स दिया है, उस मुझे पूछा है कि वो निलपोटेंट है या नहीं, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर फोर फाइव एंड सो ऑन, आई हैव सिंपली कैलकुलेटेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो और नॉट जीरो। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो आ गया तो हम वहीं लिख देंगे मैट्रिक्स इज नॉट निलपोटेंट। क्यों? क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है। बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया फिर हम उल्टा नहीं बोल पाएंगे, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि मैट्रिक्स इज निलपोटेंट है, फिर तो हमें प्रॉपर प्रोसीजर तरीके से जाना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले बोला। दोबारा एक बार और लास्ट टाइम, कोई क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा है कि भाई मैट्रिसेस निलपोटेंट है या नहीं, ठीक है। एक तरीका जो प्रोसीजरल तरीका, ए स्क्वायर निकालो, चेक करो नल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं, नहीं आया ए क्यूब चेक करो, देखो नल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं, फिर ए की पावर फोर एंड सो ऑन चेक करते जाओ जब तक नल मैट्रिक्स ना आ जाए, वेरी लॉन्ग मेथड। अब मैंने बोला इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर वगैरह एंड सो ऑन, वील कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर इट विल कम जीरो और नॉट जीरो। मैंने कहा अगर नॉन जीरो आ गया ना तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे मतलब मैं एक झटके में आंसर लिख दूंगा कि इट इज नॉट निलपोटेंट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो फिर मुझे पूरी कहानी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया देन आई कैन नॉट से इट हैज टू बी निलपोटेंट, वो हो भी सकती निलपोटेंट नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। बहुत एम्फोसाइज कर दिया मैंने, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से कॉपी करो और एक बार रिवाइज करो जो भी मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, ऑल फोर मैट्रिसेस व्हाट आर कंडीशंस, जो भी नोट्स उसके अंदर लिखवाएं, ऑल थिंग्स शुड बी मेमोराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट, मैं जो बोल रहा था शॉर्ट ट्रिक वगैरह, नॉट ट्रिक नहीं बोलूंगा मैं, अपना तरीका बोल रहा हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ, बिकॉज रियली द नेम्स ऑफ दीज फोर मैट्रिसेस ना जो हमने पढ़ी हैं वो कन्फ्यूजिंग हैं थोड़े, वो थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं और हैं, मतलब इसका कोई मतलब भूल ही जाता हूँ, इवन आई एम यूज टू फॉरगेट, अगर मैं याद नहीं रखूँगा ऐसे तो मैं भी भूल जाता। तो मैंने क्या किया, कैसे याद रखना है देखो, अब मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, और ए की पावर एम इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसका नाम क्या था मेरा, इनवॉल्यूटरी, देखो इन जो मैं याद रखता हूँ ऐसे इनवॉल्यूटरी, तो इधर आई एन इधर आई एन, ऐसे मैं याद रखता हूँ इनवॉल्यूटरी, मतलब आई एन वाली कच्ची। देखो याद, ये तो याद रहता ही है बच्चों को, एक बार एक किसी एक में तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, किसी एक में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन था, और किसी में ए की पावर एम इज इक्वल टू नल था, किस में क्या था इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो इनवॉल्यूटरी इधर से आई एन देख के ये आई एन, कहानी खत्म, तो ये तो पहचान जाएंगे मतलब याद आ जाएगा। उसके बाद निलपोटेंट, निल 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 मतलब क्या होता है, जीरो, नल मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि इस टाइप की चीज़ तो तुम फंक्शन में इतना कर लोगे ना तो कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा, मतलब इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसका क्या करें, तो इसको मैं बोलूँगा बचा हुआ, हम चार पढ़े आइडेम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी निलपोटेंट पीरियोडिक, तो अब ये तीन का मैंने ट्रिक देख लिया, जो बचा मेरा वो क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना। ऑफकोर्स दिस वर्क्स, जो मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे याद रखोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला तुम लोग पहले रिमाइंड करके एक बार दोबारा देखो, या फिर नोट्स में जो तुमने कॉपी किया है नोट्स को एक बार पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करो, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, मतलब क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, जस्ट यूज होगा इनका ही, मतलब डेफिनेशंस का, ठीक है। चलो तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर वन, एंड विच इज
बहुत ही प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं इसमें. फाइंड वेदर, फाइंड वेदर ए इज आइडम्पोटेंट और नॉट, आइडम्पोटेंट और नॉट. और मेरे को ए दे दिया. अगेन जो मुझे लगेगा वेरी प्रोसीजरल है तो मैं उसमें स्टेप्स बता के आगे मूव करूंगा, ठीक है ना. माइनस फोर, फोर माइनस थ्री, ठीक है ना. उसने मैट्रिक्स ए ये दे दिया और मुझे बोला कि इट इज आइडम्पोटेंट और नॉट. तो क्या करें हम? तो जैसे कि मैंने बोला कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है. हमने कैसे याद रखा है? इनवॉल्यूटरी तो वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन. पीरियोडिक तो मैंने बोला याद रहेगा, ए की पावर के प्लस वन इसके. और निलपोटेंट मतलब वो जीरो वाली. तो बचा वो कौन सा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो अब फाइनली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर निकालो, दैट इज नथिंग बट टू माइनस टू माइनस फोर माइनस वन थ्री फोर वन माइनस टू माइनस थ्री. इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए इंटू ए. दिस इज वॉट माई ए स्क्वायर. सो दिस इज टू माइनस टू माइनस फोर माइनस वन थ्री फोर वन माइनस टू माइनस थ्री. नाउ इट इज़ योर टास्क. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो सीख ही चुके हम. रो कॉलम करते हैं, इसका रो इसका कॉलम. चलो एक एक करके बता देता हूँ. चलो मैंने बोला इसकी रो एक पकड़ी, इसका एक कॉलम पकड़ा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके मैंने इधर लिख दिया. इधर तो टू टू द फोर प्लस टू सिक्स माइनस फोर टू. चलो एलिमेंट आ गया एक. उसके बाद इस रो को पकड़ के रखा, इसका ये रो इसके सेकेंड कॉलम से. तो माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन, माइनस टेन और एट माइनस टू. फर्दर तुम लोग सॉल्व कर लोगे. अब क्या करोगे? इस रो को इसके कॉलम से. तो टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, माइनस एट माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व माइनस फोर. तो तीन एलिमेंट्स तो मेरे ए के बराबर आ रहे हैं. बट अभी मैं बोलूँगा नहीं कि दिस इज आइडम्पोटेंट. आई हैव टू कैलकुलेट दीज रिमेनिंग सिक्स एलिमेंट्स ऑल्सो. अगर वो भी इनके बराबर आ गए तो मेरा ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा. देन आई विल से माई मैट्रिक्स ए इज आइडम्पोटेंट. गॉट इट? क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो वेरी बोर्ड लेवल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना. जस्ट तुम्हें याद होना चाहिए डेफिनेशन कि आइडम्पोटेंट किसको बोलते थे. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो फॉलो करता है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट बोलते हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखना. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से. फाइंड ऑल आइडम्पोटेंट, फाइंड ऑल आइडम्पोटेंट डायगनल मैट्रिक्स फाइंड ऑल डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री. वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पीएनसी का भी यूज होगा, ठीक है ना. अलॉन्ग विथ मैट्रिसेस पीएनसी वाला कंसेप्ट भी यूज होगा. तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग ट्राई करो इसको और मैं बताता हूँ. तो आइडम्पोटेंट जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल किया, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए, ठीक है ना, वो होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया. अब देखना इसने क्या बोला है, डायगनल. तो मैट्रिक्स अगर डायगनल है तो हमें पता है डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब तो जीरो होते हैं. तो मैंने कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले लिया जो डायगनल है. तो लेट्स से उसके मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ ए, फिर ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये बी ये ज़ीरो, ये सी ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ठीक है. लेट्स से लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ए मेरा ये हो गया. अब क्या करें? अब उसने बोला है कि ये तो मैंने जनरल डायगनल मैट्रिक्स ले लिया, मैंने डायगनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब जीरो ले लिए. अब डायगनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर कैलकुलेट किया. बिकॉज फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वॉन्ट टू इक्वेट ए विथ ए स्क्वायर सिंस माई मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट. तो ए स्क्वायर निकालोगे. अब इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, अगर मेरे मैट्रिक्स डायगनल है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो जनरलाइज करता हूँ. मैंने कहा एक ए वन मैट्रिक्स से, लेट से मैंने लिखा ए वन जीरो जीरो जीरो, बी वन जीरो 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 सी वन, और एक लेट से मेरी मैट्रिक्स है ए टू, एंड लेट से दिस इज ए टू जीरो जीरो जीरो, बी टू जीरो 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 सी टू. वैन यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स ना, दैट इज ए वन इंटू ए टू. ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सिंपली वॉट आई विल डू, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई द डायगनल एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका इधर ए वन है इधर ए टू है, तो इधर हो जाएगा ए वन ए टू,
फिर ये 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, फिर ये 0 इंटू 0, ये b1 b2, ये 0, फिर ये 0, ये 0, ये c1 c2, ठीक है। ये अगर नहीं लिखा हो या फिर मैंने मिस करा हो तो तुम इसको लिखो, ठीक है ना। अगर हमें दो डायगनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई देयर डायगनल एलिमेंट्स इन शॉर्ट, ठीक है। चलो तो अब मैंने बोला कि ये चीज़ मेरे को इधर यूज़ करनी है तो कैसे करूँ। a इंटू a करोगे तो क्या हो जाएगा, वेन यूल डू a इंटू a व्हाट यू विल गेट, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये a b स्क्वायर, ये 0, ये 0, ये 0, ये c स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय a स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज a स्क्वायर। नाउ व्हाट टू डू, अब मुझे दे रखा है कि मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट तो a मस्ट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर, सो आई इक्वेट दिस टू। अब मुझे पता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को कभी इक्वेट करते हैं तो क्या होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। सो व्हाट आई विल से, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और जीरो और जीरो तो बराबर है, सिमिलरली बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यू आर गेटिंग दीज थ्री इक्वेशंस। तो इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट, ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा वन, from this equation what you'll get b is equal to 0 comma 1 and from here you get c equals to 0 comma 1, ठीक है। Now tell me, video pause करके कि इसने बोला था find all idempotent matrix, मैंने कहा ऐसी कितनी matrices बनेंगी, पहले मैंने बोल रहा what is how many such matrices are possible, just एक बार video pause करके सोचो, अब मैं बताऊँ। चलो मैंने बोला कि जो मेरी matrix थी ये a था, ये 0 0 0 b 0 0 0 c, अब मैंने बोला a की दो वैल्यूज आ सकती हैं, अच्छा a 0 और 1 में कुछ भी हो उसको b और c से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैंने तो सिंपली इस एलिमेंट को इसके इक्वेट किया, अब b उस वक्त कुछ क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा a मस्ट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो a को चूज करने के दो तरीके हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अगर मेरा इधर ब्लॉक है, इधर ऐसे ब्लॉक लिखा है, सो इस ब्लॉक को भरने के, जैसे हम पीएनसी में बोलते हैं, इस बॉक्स को भरने के दो तरीके हैं, या तो आई कैन फिल जीरो और आई कैन फिल वन। सिमिलरली इस ब्लॉक को भरने के या इस बॉक्स को भरने के देर आर टू वेज, आई कैन इधर फिल जीरो और वन, सिमिलरली फॉर दिस। सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल है, एट, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, तो टू इंटू टू इंटू टू दैट इज एट, सो एट सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल, गॉट इट। चलो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डेफिनेटली दे कैन आस्क सच क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूँगा और बहुत ईजी भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर एट, तुम लिख लेना अपने से मैट्रिसेस। अब जैसे ए को फिक्स किया जीरो तो बी ओ सी को, बी ओ सी के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर ए को वन फिक्स किया तो बी ओ सी के फिर चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल देयर विल बी एट सच मैट्रिसेस, ठीक है। Now let's move to the next question. लिखो next question is, if B is idempotent, then prove that. अच्छा मैं prove that के form में लिखवा रहा हूँ, but you can expect such question in advance also, multiple choice question में, ठीक है। तो question क्या है मेरा, उसने दे दिया कि B एक idempotent matrix है, तो फिर मुझे prove करना है I माइनस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, एंड सेकेंड पार्ट दैट यू हैव टू प्रूव इज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू, अच्छा इसको इसने इसको ए बोल दिया, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दीज टू थिंग्स यू हैव टू प्रूव। चलो तो हाँ इस टाइप को ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है ना, इवन यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस मल्टीपल चॉइस, ठीक है ना। तो क्या करें, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, बिल्कुल b इज आइडेम्पोटेंट, तो पहले इस इंग्लिश स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिख लें, b आइडेम्पोटेंट है इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू b, ये तो गिवन डाटा है, b मेरा आइडेम्पोटेंट है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू b। चलो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, जो मैट्रिक्स i माइनस b है वो भी मेरा आइडेम्पोटेंट है, तो अब सेकंड टू प्रूफ क्या है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, टू प्रूफ i माइनस b इज आइडेम्पोटेंट, अच्छा अच्छा आइडेम्पोटेंट के लिए मान लो मुझे कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से सी, मान ली एक मिनट के लिए सी, तो अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये सी जो है
वो एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है. देन व्हाट शुड आई प्रूफ मैथमेटिकली, मैं क्या प्रूफ करना, मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रूफ हो जाए कि c मेरा आइडेंपोटेंट है. आई शुड प्रूफ c स्क्वायर इज इक्वल टू c. अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि c स्क्वायर c के बराबर है, देन आई कैन से c इज आइडेंपोटेंट. अब मुझे इधर क्या प्रूफ करना है, i माइनस b इज आइडेंपोटेंट, i माइनस b इज आइडेंपोटेंट. तो मैं क्या प्रूफ कर दूं कि i माइनस b जो है वो i माइनस b के स्क्वायर के बराबर आ रहा है. If I am able to prove कि i माइनस b जो है वो i माइनस b के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, then it is proved. या फिर ऐसे बोल लो कि मैंने एक मिनट के लिए इसको a माना, a इज इक्वल टू i माइनस b, बाकी दिया भी था इसमें, और अब मुझे प्रूफ करना है कि ये i माइनस b एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है. तो व्हाट शुड आई प्रूफ, आई शुड प्रूफ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, मतलब इसका स्क्वायर इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए. तो करते हैं चलो. सो मैंने बोला a स्क्वायर किस क्या आया, i माइनस b इंटू आई माइनस बी, ए इंटू ए लिखा है मैंने और कुछ नहीं. चलो अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं. तो व्हाट यू विल गेट, आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई इंटू बी माइनस आई इंटू बी इज माइनस बी, माइनस बी इंटू आई माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अच्छा अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये a के बराबर है, बिकॉज a स्क्वायर अगर a के बराबर हो गया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा a इज आइडेंपोटेंट. अब हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, ये वाला b स्क्वायर मेरा b के बराबर है, तो ये b स्क्वायर और माइनस b विल गेट कैंसिल आउट. एंड वी नो i स्क्वायर इज नथिंग बट i ओनली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर ले लो, यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली. सो दिस इज व्हाट माय i माइनस b, और i माइनस b था क्या, मेरा a ही था, आ गया a स्क्वायर a के बराबर आ गया, विच इंप्लाइज a दैट इज i माइनस b इज आइडेंपोटेंट. ठीक है ना, इज आइडेंपोटेंट. तो अच्छा क्वेश्चन था ये, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. Now let's move to the next part of this question. अब क्या दिया उसने, मुझे ए बी को प्रूव करना है, या बी ए इज इक्वल टू नल. तो एक कोई भी कर लेते, सिमेट्री से दूसरा बोल देंगे भले. तो लेट्स कैलकुलेट ए इंटू बी, ए इंटू बी. तो ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक ही लाइन का, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान. ए को मैंने लिखा आई माइनस बी इंटू बी, नाउ आई मल्टीप्लाई इनसाइड, तो बी माइनस बी स्क्वायर. एंड वी नो, अब कौन सा फैक्ट यूज करूँगा, अगेन यही वाला, this is b is idempotent, so b square is equal to b. और अगर b square b के बराबर है, so this is nothing but b minus b square क्या होगा? Null matrix. This is not zero. This is null matrix. Got it? Clear हुआ? तो बहुत ही आसान था second part. चलो अब हम next question पे move करते हैं. तो pause करो, इसको copy कर लो. लिखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. इफ ए एंड बी आर आइडेंपोटेंट, आर आइडेंपोटेंट मैट्राइसेस, आर मैट्राइसेस, एंड इफ ए एंड बी कम्यूट, एंड इफ ए एंड बी कम्यूट, then prove that TPT AB, A into B is also idempotent. Then you have to prove A into B is also idempotent. So करते हैं, तो पहले वीडियो पॉज करो, एक बार तुम लोग ट्राई कर लो इसको, ठीक है? तो if A and B are idempotent matrix, ठीक है, तो अब पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली लिख लेता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था. तो ए अगर आइडेंपोटेंट है, तो आई कैन राइट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो दिस इज माय गिवन डाटा. सिमिलरली बी इज आइडेंपोटेंट, सो आई कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी. अब उसने क्या दे रखा है, ए एंड बी कम्यूट. अब ये मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताया था, ए और बी कम्यूट करते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए. इफ ए एंड बी कम्यूट, देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब सॉरी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ठीक है ना, इन जनरल मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव,
बताया था, जस्ट लाइक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में जो हम देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, इट इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. तो सिमिलरली हियर ऑल्सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज इन जनरल नॉट इक्वल्स टू बी ए, बट अगर है तो हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी कम्यूट, ये प्रीवियस क्लास में देखा था. चलो तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन मेरी है. तो मैंने जो भी डाटा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था उसको मैथमेटिकली लिख लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ये तो क्या गिवन डाटा तीन इक्वेशंस, नाउ टू प्रूफ इज ए बी इज आइडेंपोटेंट. अच्छा अब आइडेंपोटेंट है ए बी, तो व्हाट शुड आई प्रूफ कि लेट्स से मैं इसको एक मिनट के लिए सी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आई शुड प्रूफ कि सी इज सी स्क्वायर इज सी ओनली. अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि सी स्क्वायर सी के बराबर आ गया, दैट मीन्स माई सी इज आइडेंपोटेंट, और सी मैंने किसको बोला, ए बी को. तो मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ अकॉर्डिंग टू दिस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी. तो चलो निकालते हैं सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या होगा, सी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, ठीक है. नाउ व्हाट, अब देखो, देखना अब इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया देख तरीके से देखो, बी ए ए बी के बराबर है, तो बी इंटू ए, इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट, ए तो पहले से लिखा है, ये ए बी और ये बी अलग से लिखा है. नाउ दिस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड बी इंटू बी इज बी स्क्वायर. अब क्या करें, अभी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यूज़ नहीं की, ये ए स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर इज बी, तो रख दो दिस इज ए दिस इज बी, और ये है किसके बराबर, ए इंटू बी किसको माना था मैंने, सी को, सो दिस इज सी. तो फाइनली व्हाट आई गॉट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, हेंस माय सी दैट इज ए इंटू बी इज आइडेंपोटेंट, ठीक है ना. अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट दे आर गुड फॉर एडवांस में भी, मतलब मल्टीपल चॉइस में देखे ना, मतलब एक एज ए पूरा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ऑफकोर्स, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो क्या होता है, एक ऑप्शन ही अपने आप में एक क्वेश्चन होता है. तो देखे ना कि वो ए और बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स दे देगा, ए एंड बी कम्यूट, देन वी हैव टू टेल ए बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं. वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी दिस, दिस एंटायर क्वेश्चन कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एडवांस, ठीक है. चलो तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना. तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना, नहीं आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, डाउट सेशन में पूछ लेना, जैसे भी तुम्हें लगे. तो लिख लेते हैं अपन क्वेश्चंस, ठीक है ना. फाइंड वेदर मैं फ्लो बता दूंगा व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन, आई विल टेल यू द फ्लो. 1 2 3 1 -1 2 3 3 9 This is nilpotent or not? ठीक है ना. तो nilpotent के लिए क्या करेंगे, सब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम, ऐसे मतलब देखो प्रोसीजर तरीका तो क्या बोला था, ए जैसे मान लो ये मेरा ए है तो ए स्क्वायर निकालेंगे, अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं आया तो बी ए क्यूब निकालेंगे, फिर एंड सो ऑन. बट मैंने ट्रिक क्या बोला था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सच थिंग्स फर्स्ट वील कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, अगर वो नॉन जीरो आ गया ना तो मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा. तो पहला तुम क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, अगर वो जीरो आ जाएगा तो दिक्कत है, तो फिर तुम्हें प्रॉपर प्रोसीजर से करना पड़ेगा. और अगर वो नॉन जीरो आ गया तो वहीं तुम बोल दोगे दिस इज नॉट निलपोटेंट, बिकॉज निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो जीरो होता है, ठीक है. सो करना इसको, और अगर निलपोटेंट आता है तो टेल मी द इंडेक्स, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रूव दैट ए इज इक्वल टू -5 -8 0. मैं इसलिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस है बहुत बच्चों टाइप, जिससे तुम्हें डेफिनेशंस याद हो जाएं बस. इज इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी, ठीक है ना. थर्ड फाइंड कंडीशन इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए इज इनवॉल्यूटरी. एंड लास्ट Find whether capital A is equal to AB B square minus A square minus AB is nilpotent or not.
ठीक है. सो ट्राई दीज क्वेश्चंस, और अगर डाउट आता है तो लेट मी नो, तो अपन इसको डाउट सेशन मतलब अगर तुम बोलोगे तो आई कैन ऐड दीज इन दीज मतलब इसमें कोई भी जो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा तो आई एल ऐड इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो दैट्स इट. ओके, थैंक यू.